देखिए दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है क्योंकि झूठ बोलते हैं मंत्री भी झूठ बोलते हैं अधिकारी बोलते हैं। भाई साहब और इससे ज्यादा कुछ नहीं, दिल्ली सरकार सिर्फ दावे करती काम कम करती है। किसको क्या बोले को सुनता ही नहीं, ठेकेदार आता ठेकेदार को बोलता हूँ वो सुनता ही नहीं, एक सुनना भाग जाता है भी आज दो मिनट नहीं हो जाता उसके। रंजन कुमार, अच्छा, इस रोड पर बहुत जाम रहता है जी, पूरे दिन जाम ही जाम रहता है, धूल मिट्टी डस्ट बहुत उड़ता है और यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता। अच्छा पर झाड़ू लगाऊ मैं, बता रेत बंद होगा करी होगा या मट्टी बंद होनी चाहिए है। अच्छा और बता क्या कहूँ, कंप्लेंट करो ना, हम तो वही करने के लिए आए हैं, बहुत परेशान आए। दोस्तों सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल गहराती है, इसे कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में दिल्ली में 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। जी हां, बढ़ते प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कैंपेन शुरू की है। इसके तहत अब दिल्ली में निर्माण स्थलों पर नियम उल्लंघन होने पर 10,000 से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में साफियाबाद रोड पर दिल्ली सरकार के जल बोर्ड विभाग द्वारा 7 महीने से काम किया जा रहा है, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान है। मैं जोगिंदर दैया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। दिल्ली सरकार जो कैंपेन चला रही है एक महीने का, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है क्योंकि झूठ बोलते हैं मंत्री भी झूठ बोलते हैं अधिकारी बोलते हैं। नरेला क्षेत्र में सफियाबाद रोड पर कई सालों से सड़क को खोद कर डाला गया है, डस्ट मिट्टी इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ रही है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, किसी के खांसी है, किसी के दमा है, किसी के कुछ है, आप देख सकते हो मिट्टी का हाल। बार बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी शोर नहीं जाग रहे, क्योंकि एक तौर पर सरकार दावे कर रही है 300 से ज़्यादा टीमें बना दी है कि डस्ट जहाँ उड़ा उसको काबू करेंगे, उन पर जुर्माना करेंगे। जब हम बार बार शिकायत कर रहे हैं तो ग्रीन ऐप का भी मजाक बनाया हुआ सरकार ने, लोगों को भरमाने के लिए ऐप चलाया हुआ है, समीर ऐप और गरीब जो ग्रीन ऐप है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ये आप देख सकते हो मिट्टी क्या हालत है, लोगों को कैसे मर रहे हैं, कोई पानी का छिड़काव नहीं होता, किसी प्रकार का अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता। बार बार निवेदन करने के बाद भी अधिकारी पता नहीं क्या साठ गांठ करे हुए ठेकेदार से, इसमें कहीं ना कहीं घपला भी है। प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में ना तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लग रहा और जो काम हो रहा है बहुत ही घटिया क्वालिटी का हो रहा है। नाम बताएगा महावीर, जो आपकी समस्या है इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई साहब धूल मिट्टी पे इतनी उड्डल लाग रही है कि ऊँ दमे की बीमारी हो जाएगी। पहला है पोल्यूशन इतना है, ये 24 घंटे उड्डे है, ना तो काम धंधे रहे ना कुछ, इस मिट्टी ने ना तो उठाते ना कुछ, इसका हाल देख रहे हो, रोड पे जाम रहे, बुरा हाल है, कोई कुछ न इसकी सुनवाई ना होती, ना पानी छिड़कवाते ना कुछ, ठीक है बुरा हाल कर रखा है। क्या ग्राहकों पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, कुछ दुकानदार ही नहीं सुबह से शाम तक खाली बैठ के चले जाते हैं, इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आपका क्या कहना है? जी पोल्यूशन हो रहा है, इसको उठवाना चाहिए कि भाई सबका काम धंधा भी खुले, वैसे ही इतना पोल्यूशन की वजह से सांस नहीं लिया जा रहा है, बच्चे भी हैं छोटे, काम धंधा भी सारा खराब हो गया पड़ा है। दिल्ली सरकार एक अभी कल ही हाल ही में एक अभियान शुरू किया है दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए, क्या कहना चाहोगे? जी आपकी आंखों के सामने ही है ये कि प्रदूषण खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है, ये तो सरकार को खुद ही देखना है। ये सिर्फ बातें हैं भाई साहब और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दिल्ली सरकार सिर्फ दावे करती काम कम करती है। कुमार है, दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है प्रदूषण खत्म करने के लिए। ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन खत्म ही नहीं है बिल्कुल भी, पोल्यूशन दुनिया भर का बढ़ ही रहा है, 4 दिन हो गए, 4 दिन से मट्टी कह रहा हूँ बराबर ही कर दो इसको, काम नहीं हो पा रहा, रोज ऊपर वाला किराया रहता है, उसकी बाइक उठाकर निकालनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं इनको, 4 दिन से रोज ठेकेदार गोली दे देता है, नली लगा रहा हूँ जेसीबी, 4 दिन से जेसीबी नहीं आ रही इनकी, अपने काम के लिए जेसीबी ऐसे जेसीबी नहीं इनके पास। ये कब से ऐसी हालत है इनको? 5 से कम 1 महीना हो गया पाड़े हुए इनका, 1 महीने से हमारा सब कुछ बंद पड़ा है, ना काम ना धंधा है, बैठा नहीं जाता, इतनी धूल उड़ती है, ना पानी को छट जाओ कुछ नहीं है, समझ नहीं आता। नरेले में ये रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है, इतना बुरा हाल है इस रोड का तो, हद से फालतू, ना कोई सुनवाई होती ना कुछ, ना पानी छड़ा, धूल में बैठा नहीं जाता, बुरा रहता है बुरा। जी किसको क्या बोले को सुनता ही नहीं, ठेकेदार आता ठेकेदार को बोलता हूँ वो सुनता ही नहीं, एक सुनना भाग जाता है, ना भी आज 2 मिनट में 2 मिनट नहीं हो जाता उसके।
रंजन कुमार। अच्छा अच्छा। इस रोड पर बहुत जाम रहता है जी, पूरे दिन जाम ही जाम रहता है, धूल मिट्टी डस्ट बहुत उड़ता है और यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता, कोई सरकार नहीं आती यहाँ, ना कोई पूछन ना कोई ढूंढन। ठीक है भैया, कानून में क्या करेगा ठेकेदार का, तो ठेकेदार तो काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, पर झाड़ू लगाऊ मैं, बताए रेत बंद होगा करी होगा, यह मट्टी बंद होनी से यह है। अच्छा, और बता क्या कहूँ, सुनवाई नहीं होती रोड पर रहा तो फिर क्या बात है भाई, रोड पर सब भर रहे हैं तो सबकी खबर सबर, मैं भी कह रही हूँ ठीक है। छह छह पर झाड़ू लगाऊ मैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, और फिर भी सुनवाई ना होती है, मन बता दे कौन सा है वो आया कदे वो आपके आगे भले मेरा गता है ना भाई, नहीं आया मैं तो भूत लू हिंदी में बुझू कु उसमें उर्दू में बुझू, उन्हें बुला था दे मेरे आगे क्या ट्रैफिक वाले जाम नहीं खड़ा, ट्रैफिक वाले खड़े नहीं होते यहाँ पर, ऊपर में खड़े होते हैं यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई ट्रैफिक वाला नहीं आता, थोड़ी कंप्लेंट करो ना तू, हम तो वही करने के लिए आए हैं, वाले बहुत परेशान आए हैं। सुना आपने लोगों ने क्या कहा दोस्तों, एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप और एंटी डस्ट अभियान जैसे नियम लागू कर रही है, यहां तक कि अभियान के लिए 586 टीमों का गठन भी किया गया है। इतनी बड़ी टीम गठित होने के बाद भी नरेला विधानसभा में दिल्ली सरकार के एंटी डस्ट अभियान को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा। नरेला की जनता धूल मिट्टी से परेशान है, हर दिन धूल फाक रही है, लेकिन इससे दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा दिल्ली सरकार के ही जल बोर्ड विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर नियम कानून तोड़े जा रहे हैं, पर इनकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।